हेलो दोस्तों, आज हमने अपनी पल्सर 125 में इंस्टॉल करे हैं ये लैंप्स। तो चलिए अब हम देखते हैं इनकी अनबॉक्सिंग एंड इनको आप अपने बैग में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस, ये है HJZK के लैंप्स। सो बॉक्स ओपन करते हैं। आपको लैंप मिलेगा, राइट। ये लैंप है, इसकी हाफ मीटर की आपको लैंप मिलेगी, जिसमें आपको तीन तार मिलेंगे। एंड लैंप्स विद DRL है, रेड कलर का। इसमें DRL चलता है, एंजल लाइट की तरह लगता है। और ये प्रोजेक्टर बेस्ड है, प्रोजेक्टर की तरह नहीं है लेकिन ये प्रोजेक्टर बेस्ड है। तो हमें इंस्टॉल करेंगे अपने हैंडल में कुछ एक्सेसरीज जो इसके साथ हमें ऑलरेडी दी गई हैं। ओके, सो एक्सेसरीज दी गई हैं इसके साथ। और ये दूसरी लाइट है, जो दो लैंप हमने हैंडल्स में इंस्टॉल करेंगे, राइट। सो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे एक इंस्टॉल होगा, एक क्लिप लगाएंगे यहाँ पे। और एक जो दूसरी तरफ है, हम वहाँ पे वो वाली जो क्लिप है वो लगाएंगे। तो गाइस, ये आपकी जो क्लैंप्स हैं वो इस तरीके से इंस्टॉल होंगी आपके हैंडल्स में। ये दो नट रहेंगे आपको जो ओपन करने, एक 10 नंबर का है और एक 8 नंबर का है। इस तरीके से क्लैंप आपको लगानी है इस तरफ, और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से एक क्लैंप यहाँ पे लगानी है। आपको 8 नंबर का है, यहाँ पे खोलना है और आपकी जो एक क्लैंप है दोनों फिट हो जाएंगी। चलिए मैं आपको इसको फिट करके दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो क्लैंप है वो दोनों फिट कर दी हैं इसी तरीके से। बहुत इजी है, बस मेरे को पता कि आपको क्लैंप जो इस तरीके से टाइट कर लेनी है, जैसे कि मैंने करी इसी तरीके से टाइट। और इसके बाद ही जो बाइक में जो लैंप के साथ एक्सेसरीज आई हैं उसको आपको दोनों को अटैच कर देना है इससे, क्योंकि एक बहुत ईजी प्रोसेस है। आगे वीडियो में आप देखिएगा कितना ईजी है। और जो भी क्लैंप्स हैं हमारे, अच्छे तरीके से उनको टाइट कर दीजिएगा। सो गाइस, इस तरीके से ये देखिए सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको, तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि दोनों फॉग लैंप्स मैंने जो है वो टाइट कर दी हैं बाइक के अदर साइड में, और बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है। थोड़ी बहुत इसमें अलाइनमेंट बाकी है, किस तरीके से लग रहे हैं कूल। अगर ये ज़्यादा नहीं चले, ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम इनको नीचे शिफ्ट कर देंगे। बट फिलहाल के लिए जो भी है, जैसा भी है, इट्स परफेक्टली परफेक्ट। सो हम इन्हें एडजस्ट करते हैं, अच्छी खासी मतलब इसमें टर्न नहीं मिल रही, एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे मेरे कोई बात नहीं। सो मिलते हैं, कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये चार स्क्रूज जो नॉर्मली रहते हैं ये निकालना है, वाइजर खोलना है, यहाँ से स्लॉट और कोई ब्लैक स्क्रूज होंगे वो खोलने हैं। देखो उनके बाद कनेक्शन ना खोलते हैं, फिर ऐसे। सो गाइस, मैंने बाइक खोल ली है, और ये जो वायर आप देख रहे हैं ये वो वायर है जो कि इग्निशन से आ रहा है, जिसमें से एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा बैटरी का, और एक तब होगा जब आप चाबी ऑन करेंगे, लाइट ऑन होगी। सो ये हमारे कनेक्शंस हैं। इसके बाद हम यहाँ पे मेन कनेक्शन करेंगे लाइट्स का, दो स्विच लगाएंगे, एक TRS के लिए और एक मेन हेडलाइट के लिए, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक कपड़ा लगाया जाए ताकि हमें जो फंक्शनिंग है वो बहुत ईजी हो जाए। सो गाइस, मैंने इसके कनेक्शंस तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने एक जुगाड़ लगाया है। जैसे कि मैं इसका जो ब्राउन वायर था वो डायरेक्ट बैटरी से इग्निशन से आ रहा था, तो मैंने ब्राउन वायर में एक ग्रीन वायर लगाया और नेगेटिव में इंडिकेटर में नेगेटिव लगा दिया। और देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्लग अटैच कर दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम फिर इस प्लग से अटैच करेंगे, और जो भी हमें करें, जितने भी इसमें बाइक मॉडिफिकेशन होंगे, हम सीधा इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, और मॉडिफिकेशन हमारा चलता जाएगा। तो हमें बार बार कनेक्शन खोलने की या प्लग खोलने की बाइक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैंने यहाँ पे नेगेटिव दोनों के ले लिए हैं, पॉजिटिव मैंने दोनों के जोड़ लिए हैं। ये पॉजिटिव डायरेक्ट हम स्विच में लगा देंगे, जो स्विच की वायर आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इन दोनों का स्विचेज में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। कपलर हमारा लग चुका है, और यहाँ मैंने दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव के जॉइन कर दिए हैं। ये मैंने इसका जो ग्रीन वायर है ये पॉजिटिव में डाल दिया दोनों का, ठीक है। और ये जो अलग अलग ब्लैक वायर्स हैं स्विच के, एक DRLs का है और एक हेडलाइट का है, आप देख सकते हैं, राइट। ये एक हेडलाइट का है और एक DRLs। इसी तरीके से आपको सिंपली कनेक्शन करना है, कोई हार्ड एंड कॉर्ड कनेक्शन नहीं है। स्विच लगाइए, पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करना, नेगेटिव आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है। नेगेटिव जैसे आप कनेक्ट कर दोगे डायरेक्टली, और उसके बाद पॉजिटिव आपको एक वायर जो है स्विच में लगाना है, ये वाला पॉजिटिव का एक ही रखना है, और दोनों जो ब्लैक वायर होंगे वो आप डायरेक्टली पॉजिटिव में लगा दोगे लाइट्स के, तो इससे क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक होगा और ये सप्लाई चलेगी। तब तक मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा ग्लो है। और ये देखो, स्विच से दोनों लाइट ऑन है और फिर दोनों DRLs ऑन हो गए हैं। मैं इसको टेप करके पैक कर देता हूँ। देख,
girls with their nails done.